तो दोस्तों आज हम एक नया तरीके से और नया चीजें जानने वाले हैं कि आज हम गियरबॉक्स व्हर्लपूल का किस तरीके से फिट करें और उसमें क्या क्या बारीकियां होती है, क्या क्या सामान उसमें लगेगा। तो आज इसके बारे में फुल डिटेल से मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल कम्प्लीट देखिएगा बिना स्किप किए और इसमें काफी सारा नॉलेज जो है वो आपको मिलने वाला है। आज हम मैंने पूरा सामान को खोल कर रख दिया है, खाली उसको फिट करना है। तो ये फिटिंग कैसे होता है, किस तरीके से होता है, आपको मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताता हूं कंप्लीट कि किस तरीके से आप व्हर्लपूल वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स आप फिट कर सकते हैं। इस वीडियो के देखने के बाद आप कोई भी गियर बॉक्स फिट कर सकते हैं, लेकिन खासकर व्हर्लपूल में कैसा होता है कि आपको जो भी मतलब प्रॉब्लम आता है वो खासकर व्हर्लपूल में ही आता है, इसलिए आपको ये खास वीडियो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसे कि कुछ सामानों के बारे में जान लेते हैं, जैसे हमारे पास ड्रम है, वॉशिंग मशीन का ड्रम है, कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो काफी सारे चीजें जो है वो पड़ी हुई हैं। ये देख रहे हैं आप, ये हमारा मेन हब है जिसको हम हब बोलते हैं। आप देख रहे हैं ये हब हमारा क्या होता है, आप इसके बारे में आप जानते ही होंगे अगर जारी करें। ऊपर हमारा जो ये सील है, ये आप स्टेप बाई स्टेप देखेगा तो आपको वीडियो समझ में आएगा। ये सील है, इसके ऊपर हमारा सील जो है यहाँ पे लगा है और ये हमारा ड्रम में सीधा कुछ इस तरीके से फिट हो जाता है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको सामानों पर चढ़वा देता हूँ, बाद में आपको स्टेप बाई बताता रहूंगा कि आप क्या क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है ये सेंटर ब्रेक सेंटर है, ये ब्रेक को सेंटर में लगा है तो इसको हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे ये हमारा है, ये पुल्ली है, ये बेल्ट पुल्ली है और ये हमारा ड्रेन मोटर है जो कि आप लोग देख रहे हैं। ड्रेन मोटर हमारा पुराना है क्योंकि हम गियर बॉक्स ही बदल रहे हैं तो हम इसको ही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अब ये हमारा मोटर हो गया जो कि ये व्हर्लपूल में कुछ इस तरीके से मोटर आता है। अगर जो आप LG सैमसंग का खोलते हैं उसमें कुछ इस तरीके से मोटर नहीं आता है। साथ में हमको एक फेविबॉन्ड की जरूरत पड़ेगी तो इसको भी मैं बताऊंगा ये कहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ये हमारा गियर बॉक्स है कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा गियर बॉक्स है जो कि हम ओरिजिनल यूज करेंगे क्योंकि अगर जो आप डुप्लीकेट यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको काफी नुकसान हो सकता है, बाद में आपको रिफंड बोलना पड़ता है क्योंकि सील जो है वो बहुत कमजोर आती है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा बेल्ट है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इसमें 22.5 का बेल्ट आता है। यहाँ पे देखिए 22.5 का बेल्ट आता है, तो ये हमारा बेल्ट है। और यहाँ पे देखिए सबसे जरूरी चीज यहाँ पे ये हमारा जो है ड्रम के ऊपर लगा होता है कि ड्रम को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक सुता भी लगा होता है जो कि हम ड्रम को टाइट करते हैं तो यहाँ पे लगाया जाता है, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। और अब बात करते हैं इसके प्लेट के बारे में। तो ये प्लेट हमारा जो है ये एकदम बैक प्लेट है जो हम इसको बेयरिंग प्लेट और मोटर प्लेट के बारे में बोल सकते हैं, इसको हम मोटर प्लेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम रख देते हैं। अब आ जाते हैं हम गियर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये हम कुछ स्क्रू रखे हुए हैं, जैसे कि ये हमारा है, ये हब का नट है, सॉरी ये हब का नट है, ये हब का नट है। और ये जो है ये हमारा छह पीस है वो हमारा कुछ यहाँ पे इस तरीके से फिट होता है। तो यहाँ पे ये इसका नट है, यहाँ पे छह नट लगता है। और ये हमारा है ये जो है ये प्लेट, यहाँ पे जो प्लेट है यहाँ पे देखिए एक दो तीन और ये चार, यहाँ पे चार नट लगते हैं। और खास करके देखिएगा यहाँ पे, खास करके आपको ध्यान देना है ये वाइसर जो है, ये वाइसर होना जो है ये कंपलसरी है, नहीं तो क्या है हमारा जो ड्रम है वो तो ये नट जो है वो ढीला होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे हमारा ही हो गया। और यहाँ पे देखिए ये नट जो है ये मोटर का नट है जो कि हमको दो ही नट मोटर की आवश्यकता होती है क्योंकि हमारा कोई भी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रहेगा तो उसमें जो है हमारा दो ही नट का उपयोग होगा। अब बात करते हैं ये गियर असेंबली के बारे में। ये जो हमारा है गियर असेंबली तीन पार्ट में आता है। पहला पार्ट देखिए ये जो हमको गियर बदलने में काम आता है जब हमारा स्पिन और ड्राइव स्पिन और वॉश के समय आता है। और ये इसका सेंटर पॉइंट है जो कि हमको इसमें ऊपर नीचे करने में मदद करता है। और ये इसको इसके ऊपर का कवर है जो कि ये हमारा जो तीनों को बांध दोनों को बांध कर रखता है। अब ये सारी बातें हो गई, अब ये इसके बारे में जान लेते हैं खास चीज। ये जो है ये हमारे बेल्ट को पुश करके ब्रेक को रखता है ताकि हमारा ब्रेक जो है वो ऊपर नीचे ना हो। और बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो हमारा ड्रेन मोटर और ड्रेन असेंबली में कनेक्ट होता है, बीच में ये लगा रहता है ताकि आपस में ये कनेक्ट रह सके। अब बात करते हैं बेयरिंग के बारे में। तो बेयरिंग में हम ओरिजिनल व्हर्लपूल का यूज करेंगे और जो फ्रंट साइड ऊपर के साइड में आता है वो SKF का यूज करेंगे जो कि 6006 नंबर का बेयरिंग है और ये करीब 390 रुपए के 400 करीब मिलता है। तो इसको आप बढ़िया रहेगा आप ये यूज करें और ये आप नीचे के प्लेट में यूज करें क्योंकि अगर जो आप ऊपर भारी बेयरिंग यूज करेंगे तो आपका मशीन जो है वो लॉन्ग टाइम चलेगा और आपका गियर बॉक्स सेफ रहेगा। तो आइए अब ले चलते हैं फिटिंग करने के लिए कि फिटिंग किस तरीके से होता है। आपने सारे सामान तो देख ही लिए, अब हम फिटिंग करके भी आपको दिखा देते हैं किस तरीके से फिट होता है।
और यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है यहाँ पे हमारा कुछ सील जो है कुछ इस तरीके से फिट होगा, लेकिन हमको यहाँ पे इस तरीके से सील नहीं फिट करना है क्योंकि हमको इसमें से ही सील जो है फिट करना है। इसको अच्छी तरीके से यहाँ से ही फिट कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से ठोक भी देता है जो इसका सील जो है अच्छी तरीके से बैठ जाए। ये हमारा सील जो है कुछ अच्छी तरीके से बैठ जाए। ये वर्लपूल का ओरिजिनल होने का होलोग्राम था, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। अब बात करते हैं ये फेविक बॉन्ड के बारे में। तो यहाँ पे जो है हमारा फेविक बॉन्ड कुछ यहाँ पे ही काम करेगा, तो यहाँ पे जो है हम साइड साइड में लगा देंगे। पहले यहाँ पे भी हम लगा देंगे। देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा कंप्लीट फिट हो गया है और इसको डी से थोड़ा हम एडजस्ट कर देंगे ताकि अच्छे से जो है वो हमारा फिट हो सके। अब ये हमारा जो है वो कंप्लीट तरीके से फिट हो गया है। अब जो है इसके अंदर हम बैरिंग लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो है बैरिंग जो है वो कंप्लीट लगकर तैयार हो चुका है और अब इसके ऊपर थोड़ा हम ग्रीस डाल देंगे जो ऑलरेडी हमारे पास है। और याद रखें इसमें अच्छी क्वालिटी का कोई भी सामान यूज करें। यहाँ पे हमने यूज कर दिया और अब यहाँ पे हम डालने वाले हैं गदा। यहाँ पे कुछ हमने इस तरीके से गदा डाल दी। अब इसके ऊपर है हमको ब्रेक डालना। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे गियर बॉक्स को फिट कर रहे हैं, साथ में ब्रेक ही लगा है तो आपको ध्यान देना है ब्रेक को कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगाना है। और यहाँ पे लगाने के बाद अब इसके ऊपर हमको ज़रूरत पड़ेगा प्लेट की। तो ये हमारे पास प्लेट है और यहाँ पर हम इसके ऊपर जो है प्लेट को बैठाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम फटाफट इसको बैठा लेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए और जहाँ पे भी हमको ठोकना है वहाँ पे देखना है कि हमको कुछ टूटे नहीं, इसलिए आपको आराम से काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास ये बोल्ट है, इसको अब हम टाइट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ से टाइट कर देंगे ये बोल्ट को। तो बोल्ट को टाइट करते हैं फटाफट और आपको आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इसको भी हम बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा क्योंकि अगर जो आप थोड़ा भी मिस करेंगे तो ये वर्लपूल का ऐसा झमेला वाला आता है कि आप परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पे फटाफट हम इसको टाइट कर लेते हैं, आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा स्प्रिंग है और इसके बाद हम यहाँ पे ग्रीस थोड़ा लगा देंगे ताकि जो हमारा स्प्रिंग है वो अच्छे से मूव करे। इसके लिए हमको ग्रीस लगाना अनिवार्य है, वो भी अच्छी क्वालिटी का। और अब ये स्प्रिंग हम इसके ऊपर से बैठा देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए अब ये हमारा जो है गियर असेंबली है जो कि मैंने आपको वीडियो को शुरू में ही बताया था गियर असेंबली क्या काम करता है। तो इसको पोंछ कर हम अच्छे से लगाएंगे ऊपर और इसके ऊपर भी थोड़ा ग्रीस लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा फुल मूव जो है वो करना चाहिए। तो यहाँ पे हम ग्रीस भी लगा देते हैं साथ में और इसके ऊपर से जो है ब्रेक असेंबली जो है ये डालते हैं। अब इसके ऊपर का जो पैनल कवर है इसको भी हम लगाएंगे, उससे पहले जो है हम थोड़ा ग्रीस को लगा लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे दबाकर इसको चारों साइड का लॉक जो है अच्छे से बैठा देंगे। बैठाने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से मूव करेगा। याद रखिए ये हमारा मूव करना अनिवार्य है, अगर जो जब तक ये मुंह नहीं करेगा तब तक हमारा गियरबॉक्स अच्छे से नहीं बैठा है। फिर इसके ऊपर हम पुल्ली लगाने वाले हैं। पुल्ली लगाने के बाद जाहिर सी बात है आप पुल्ली को लगा के घुमा के दोनों तरफ से चेक कर लेंगे ताकि हमारा जो मूवमेंट है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ड्रेन मोटर भी हम लगा लेंगे। ड्रेन मोटर लगाने के लिए हमको यहाँ पर प्लेट का स्क्रू जो है वो भी टाइट करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ पर इसका लॉक जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं और ये लॉक एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हमको ये ब्लू कलर का लॉक जो है ये भी एडजस्ट करना पड़ेगा।
तो अब फटाफट इसको हम टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको तीन स्क्रू जो है वो टाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ अच्छी तरीके से आपको टाइट करना है। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि अगर जो आप स्किप करके देखते हैं तो आप एक भी स्टेप भूल जाएंगे, तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। आप फिर से रिवर्स करके वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ तक अगर जो आप आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमारे पास ये ड्रेन असम्बली है, ड्रेन असम्बली को हम पहले इसमें फिट करने वाले हैं। यहाँ ऊपर हम लगा देंगे ताकि इसका लॉक जो है अच्छे से बैठ जाए, और इसके ऊपर जो है हम दो स्क्रू को टाइट करने वाले हैं। स्क्रू को टाइट करने के लिए सिंपल सा हमको थोड़ा सा खींच लेना है और अच्छे से स्क्रू को टाइट कर देना है। स्क्रू टाइट होने के बाद हमारा यहाँ पे जो एक पोजीशन है, यहाँ पे भी हमको एक स्क्रू टाइट करना रहता है, ताकि जो हमारा है अच्छे से फिक्स हो जाए, ताकि हिलने का ना ही कोई इधर उधर जाने की झंझट रहे। अब हमारा जो है होल का, इस होल के ऊपर हम फेविबॉन्ड को लगा लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि फेविबॉन्ड अगर जो हम नहीं लगाएंगे तो हमारा लीकेज का जो समस्या है वह नहीं जाएगा, तो लीकेज का समस्या चला जाए इसकी वजह से हम फेविबॉन्ड को यूज करेंगे। और यहाँ पे जो है हम इसको अच्छी तरीके से बैठा देंगे। बैठाने के बाद इसका लॉक जो है, लॉक को भी अच्छे से सेट कर देंगे। और ये हमारा जो है गेयरबॉक्स अभी तक का जो पूरा कम्प्लीट फिट हो चुका है, आपके सामने है। अब यहाँ पर मोटर लगाने वाले हैं, उससे पहले जो ब्रेक का मतलब रबर होता है उसको भी अच्छे से लगा देंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा ये मोटर लगाने वाले हैं। मोटर में जाहिर सी बात है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें दो ही स्क्रू लगते हैं, इसमें जो है एडजस्ट वाला सिस्टम नहीं रहता है जैसे कि आपका एलजी और सैमसंग में रहता है। तो इसमें आपको एडजस्ट करने का सिस्टम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा है, यहाँ पर आप स्क्रू टाइट कर देंगे नट बोल्ट को अच्छी तरीके से, और दूसरी साइड से भी इसका जो होल है वो परफेक्ट तरीके से मिला लेना है, ताकि आपको फिर से स्क्रू नट को खोलना नहीं पड़े। यहाँ पे जो है हमारा अच्छे तरीके से भी इसको टाइट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए हमारा मोटर जो है फ्री तरीके से घूम रहा है। और यहाँ पे हमको बेल्ट भी चढ़ा लेना है। याद रखना हमको पुल्ली पे अभी नट नहीं कसना है, पुल्ली का नट जो है वो हमको बाद में लगाना है। तो यहाँ पे हमारा वायर भी खुला है, इसके लिए हमको केबल टाई मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हम केबल टाई का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा जो वायर है इधर उधर नहीं रहे। केबल टाई यूज करने के लिए आपको बहुत सिंपल सा जगह है, वहाँ पे छेद रहता है, उस जगह आप यूज कर सकते हैं। और ये हमारा वायरिंग है, वायरिंग को हम ड्रेन मोटर में भी लगा लेंगे, और यहाँ पे हमारा मोटर कनेक्शन का भी वायरिंग लगा लेंगे। और यहाँ पे जो है इसका जो वायरिंग का लॉक है इसको बैठा लेंगे, और इसके ऊपर हम केबल टाई का यूज करेंगे, ताकि जो हमारा ये भी मतलब आवाज़ आने का कारण है, कई बार यहाँ से भी शुरू हो जाता है, तो इसको भी हमको अच्छी तरीके से यूज करना है। यूज करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो कंप्लीट तरीके से फिट हो जाता है गेयरबॉक्स। अब जो है हमारा वो है पुल्ली के ऊपर नट कसने का। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे जो है आप नट जो है पुल्ली का इतना टाइट करना है, ताकि आपका जो हमारा मोटर जब घूमे तो ये जो है फ्री होकर बाहर नहीं निकले। इसकी वजह से आपको कंप्लीट तरीके से अच्छे से पूरा टाइट करना है। और यहाँ पे फुल टाइट होने के बाद आप एक बार ज़रूर चेक कर लें, ताकि हमारा मोटर कहीं जाम नहीं हो रहा है या हो रहा है। तो अगर आपका मोटर फ्री हो रहा है गेयरबॉक्स के साथ, तो आपका ये गेयरबॉक्स कंप्लीट तरीके से फिट हो चुका है। फिट होने के बाद देखिए हम आगे चेक कर लेंगे कि हमारा जो है मतलब फेविबॉन्ड अच्छे तरीके से लगा है कि नहीं लगा है। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा फेविबॉन्ड का यूज कर लेंगे, ताकि जो है लीकेज का प्रॉब्लम यहाँ से भी ना रहे, क्योंकि हमको बार बार ये गेयरबॉक्स खोलना बहुत ही महंगा पड़ सकता है। तो ध्यान रखें, जो भी आपको करना है पूरा व्यवस्थित करें और अच्छे से करें। तो यहाँ पे हमारा ड्रम है, जो हमारा ये वॉश ड्रम है, इसके लिए हमको एक हब चाहिए जो कि हमारे पास है। यहाँ पर देखिए ये हब जो है हम इस्तेमाल करने वाले हैं वॉश ड्रम के अंदर। तो यहाँ इस ड्रम को कैसे मतलब हब में फिट किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, मोटर को पहले यहाँ पे ड्रम को पहले इसको हब के ऊपर रख लेते हैं। रखने के बाद जो है हमारा यहाँ पे सिंपल सा है, नट को कसना है। और याद रखें, जब भी आप नट कसे तो एक आगे तो एक उसके जस्ट पीछे कसे, और यहाँ पे जो है आप जस्ट बाजू में ना कसे, ताकि इसमें कई बार ऐसा होता है कि आप जो है आगे पीछे ना करके आप जस्ट बाजू में करते हैं, जिसके कारण आपका मशीन जो है वो डग मारना स्टार्ट हो जाता है और ड्रम हमारा बैंड हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमने कुछ इस तरीके से टाइट किया, यही
चीज़ आपको फॉलो करना है, तो इसको आप फॉलो करके अच्छे से फिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो है ड्रम को अच्छे से पूरा ये नट जो है अच्छे से टाइट करना है। टाइट करने के बाद कुछ हमारा जो है ये फिट होकर तैयार हो जाएगा। जब आपका ये पूरा कंप्लीट फिट होकर तैयार हो जाए, उसके बाद हमको यहाँ पे जो है इसका सेंटर ड्रम का जो गुटका होता है, जो कि मैंने आपको वीडियो को शुरू में ही बताया था कि वो गुटका लगाना अनिवार्य है, तो गुटका भी आपको लगाना पड़ेगा। वो किस तरीके से लगता है वो मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। तब तक के लिए हम इसको पहले टाइट कर लेते हैं। और आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, मतलब आप अभी तक आप सीरियस हैं, तो चलिए इसका हब का जो गुटका है वो लगा लेते हैं। गुटका लगाने के लिए हमको सिंपल सी जगह है, ये पूरे हब में देखिए यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे हमको गुटका जो है ये हमारा इस्तेमाल करना है। इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से इस कुछ इस तरीके से नट को पहले घुमाकर चेक कर लेना है कि हमारा अच्छी तरीके से नट जो है वो अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर जो आपका अच्छी तरीके से नट अंदर जा रहा है, तो फिर आप यहाँ से खोल लीजिए और यहाँ पे गुटका जो है अंदर इसके डाल दीजिए, और अंदर से जो नीचे से बैक साइड है वहाँ से हमको जो है वो टाइट करना है नट को। तो कुछ यहाँ से कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर जो होल दिख रहा है सेंटर में, यहाँ पर आपको नट को टाइट करना है। यहाँ पे कुछ हम इस तरीके से नट जो है वो टाइट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए अब ये हमारा जो है नट वो टाइट हो चुका है। अब इसको हम सीधा ड्रम के अंदर फिट करने वाले हैं, जो कि हमारा मेन ड्रम है उसके अंदर हम फिट करने वाले हैं। तो वीडियो आपने यहाँ तक देखा, मतलब आप इस चीज़ को लेकर बहुत ही सीरियस हैं। अगर जो आप सीरियस हैं, अगर जो आप हमारे वीडियो से कुछ सीखे हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करिए कि आपको कौन सा पार्ट इसमें का अच्छा लगा। और अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जो है हम इसको ड्रम का सेंटर नट जो है इसको भी अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। टाइट करने के लिए सिंपल सा जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से टाइट करना है, ताकि जो हमारा ये नट है वो खुले नहीं। तो आपको यहाँ अच्छे तरीके से जो है वो नट को टाइट करना है। अब ये हमारा जो है वो कंप्लीट तरीके से जो है गियर बॉक्स फिट हो चुका है। अब सिंपल सा जो प्रोसेस है, आपको यहाँ पे घुमाकर चेक कर लेना है कि हमारा ड्रम जो है फ्री है या नहीं है। तो ये हमारा वीडियो अभी तक का यहीं तक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।